हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली और बहुत लेट हो रहा है। हे गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और आज मेरे लिए एक काइंड ऑफ स्पेशल डे है क्योंकि आज ललित के बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं और मेरे को बिल्कुल टाइम पा रहा कि मैं कुछ ब्लॉग करूँ। एक मिनट, रेड लाइट से ग्रीन लाइट हो गई है। बड़ी मुश्किल से मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ उस टाइम पे। अभी रेड लाइट हो गई है और अभी 17 सेकंड्स है हमारे पास। तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, और बहुत सारा प्लान है आज के लिए। अब वापस ग्रीन लाइट हो गई तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज फाइनली वो डे आ गया जब मैं जा रहा हूँ अपना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने, और मैं एक ऑलरेडी सीनियर एडवोकेट के साथ जा रहा हूँ जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है दिल्ली बार काउंसिल में। मेरी वाइफ, शी इज़ ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड एडवोकेट एट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। तो कह रही थी कि कई साल पहले मैं गई थी तो ऐसा लग रहा है मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रही हूँ। तो हाँ, आज मेरा एडमिशन होने जा रहा है रोल्स पे बाहर के। तो यस, वी आर वेरी एक्साइटेड। फॉर्म वॉर्म भर लिया है, सब कुछ है, बस रास्ते में एटीएम देखना है, कैश निकालना है, कैश विड्रॉ करना है। अराउंड 15,700 के आसपास फीस है। तो अभी रास्ते में एक एफिडेविट बनवाना है दिल्ली से, बाकी मैं प्रोसेस आपको बताऊँगा डिटेल में। हम लोग अपने चैनल पे डालेंगे क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। तो काफ़ी ट्रैफिक है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, काफ़ी ट्रैफिक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, पूरा जैम है। हम निकले तो घर से जल्दी थे, हम गाज़ियाबाद से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी समहाउ मॉर्निंग रश तो रहता ही है। हाय गाइस, तो फाइनली अब मैं थोड़ा सा व्लॉग कर सकती हूँ क्योंकि अब फोन जो है वो मेरे ह्यूमन ट्राइपॉड के पास है। सो गाइस, फाइनली मैं व्लॉग स्टार्ट कर सकती हूँ। इतनी सारी कोशिश करी रेड लाइट पे और पता नहीं क्या क्या, तो फाइनली क्योंकि अब मेरे पास है ह्यूमन ट्राइपॉड। इससे पहले ललित जो था वो अपने सेमिनार में बिजी था तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू दिल्ली और दिल्ली बार काउंसिल का हमें काम है। ललित का फाइनली रजिस्ट्रेशन होने वाला है एंड आई एम फीलिंग लाइक मैं बहुत साल पहले गई थी। मैं गई थी 2015-2016 की स्टार्टिंग में, 2015 के एंड में या 2016 की स्टार्टिंग में मैं गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने, जैसे होता है ना, एक फीलिंग होती है कि अपने स्कूल में पढ़े हो और फिर अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हो उसी स्कूल में, तो मुझे ना उसी टाइप की फीलिंग आ रही है। और इसी वजह से मैंने डिसाइड करा था कि आज चाहे कितना ट्रैफिक हो, क्योंकि वर्किंग डे है और मॉर्निंग का टाइम है, ड्राइव मैं ही करूँगी, मैं ही लेके जाऊँगी। और मुझे पता था जब मैं कार चलाऊँगी तो ललित होगा तो पक्का वो कुछ ना कुछ बोलेगा, बट मैंने ये जोखिम भी उठा ही लिया है कि चलो इसको बोलने देंगे और इन्जॉय करेंगे। और एक बहुत फनी सा सपना था, सपना एसच, एक मिनट, एसच पर्पस नहीं था लेकिन एक छोटा सा ड्रीम था कि कभी मैं पापा की कार लेके ना कॉलेज जाऊं। लेकिन मेरा जो ड्राइविंग पे हाथ साफ हुआ वो आफ्टर मैरिज हुआ, और उससे पहले तो पापा की कार चलाना तो ऐसा होता था पापा रे पता नहीं क्या ही कर दियो, और पापा तो फिर पूरे टाइम टेंशन में ही रहते, उनका बीपी भी बढ़ जाता, तो इसीलिए कभी ऐसा हो नहीं पाया। तो आज मैं यही सोच के जा रही हूँ कि ये है नहीं, इसको पूरा इनविजिबल मान के जा रही हूँ। तो यस गाइस, चलते हैं। और भी हमारा बहुत प्लान है, बीसीआई का काम है, मतलब सॉरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली बीसीडी का काम है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सरोजनी मार्केट और पालिका, और मैं वहाँ पे व्लॉग करूँगी, उसके अलग से व्लॉग जाएंगे, वो आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि मैं वहाँ पे क्या लेके आती हूँ। आई होप कुछ मिल जाए अच्छा। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। अभी मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, अभी हमें टाइम दिखा रहा है 23 मिनट्स, मतलब 8.5 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है हमारा पटियाला हाई कोर्ट। सबसे पहले हम वहाँ पे जाएंगे, ललित का कुछ एफिडेविट का काम है, सॉरी हाँ। तो
अभी हम जाएंगे पटियाला कोर्ट और उसके बाद ललित को कुछ एफिडेविट का काम है, फिर वहां से वो करा के फिर हाई कोर्ट जाएंगे। तो गाइज हम लोग अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जो है पटियाला कोर्ट और बहुत रश है, मतलब लिटरली पार्किंग की स्पेस नहीं है। जहां पे भी जिसको जो जगह मिली है लोगों ने वहां पे अपनी कार जो है वो बस घुसा ली है किसी तरह से। काफी कार्स रोड पे भी हैं, खैर ये तो हाल नॉर्मल बात है। तो फिर बस अभी मुझे भी जहां जगह मिली है तो मैं यहां पे मैं भी कार को मतलब एडजस्ट करके बैठ गई हूँ और ललित जो है वो भी गया है कोर्ट के अंदर प्रिविसेस के अंदर अपना एफिडेविट बनवाने। तो फिर उसको देखो अभी कितना टाइम लगता है, आई थिंक उसको 15-20 मिनट से तो कम क्या ही लगेगा क्योंकि नोटरी एरिया में भी काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी रश होता है। तो वो एफिडेविट बनवा के आ जाए उसके बाद हम चलते हैं हाई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में देखते जितना व्लॉग हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा व्लॉग तो मैं कर नहीं पाऊँगी वहाँ पे क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यू नो कोर्ट है तो रिस्पेक्टेड कोर्ट्स में आपको ज़्यादा व्लॉग नहीं करना चाहिए। तो इस टाइम पे जहाँ पे मैंने कार पार्क करी है वो भी रोड एरिया पे ही है और आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। हाई कोर्ट एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और आप देखो उसके अंदर वाली जगह पे यहाँ पे पूरी कार्स ही कार्स हैं। और पता नहीं क्या है मेरे बालों के साथ, ये जो मेरे बेबी हेयर है ना ये कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, तो आई डोंट नो और पता नहीं क्या हो गया है कि इतने चार्ज हो रहे हैं इस टाइम पे। मैंने एक जैकेट पहन रखा है उसके ऊपर भी इतना मतलब एक तरीके से चार्ज होकर ना करंट की जैसी आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो अभी हम हाई कोर्ट जाएंगे तो मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, टू मीट सम कलीग्स जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, कुछ मुझे लगता है कि मिल ही जाएंगे क्योंकि हाई कोर्ट पे जनरली लोग आते हैं। मेरे जान पहचान के काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कोई मैटर होता है तो आते हैं या किसी वजह से आ ही जाते हैं हाई कोर्ट पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं जाऊँगी तो किसी ना किसी से मुलाकात हो सकती है और देखते हैं कि किसी के साथ मिलना आज किस्मत में है या नहीं है। और मैंने किसी को ऐसे बताया नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, प्लस फिर लोग अपने अपने काम में भी बिजी होते हैं और या तो आप डेडिकेटेडली मिलने आओ जाओ ऐसा कुछ प्लान बना लो तो बेटर है, अदरवाइज़ वो भी अपने काम में बिजी है और हमें भी बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें करनी है आज के दिन। तो ये है अच्छा हाई कोर्ट में मैंने सुना है कि ललित से इनफैक्ट सुना है कि एक तो मुझे पता है कि वहाँ पे फॉर्म तो मिलता था बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का, तो मैंने जब अपने टाइम पे फॉर्म लिया था तो मैंने भी बीसीडी का फॉर्म हाई कोर्ट से ही लिया था। लेकिन ललित मुझे एक बात बता रहा था, उसको भी अभी श्योर नहीं है कि वहाँ पे जो पूरा इन्होंने एक सेक्शन बना रखा है बीसीडी का, तो फॉर्म फाइनली फिल करके वहाँ पे सबमिट हो सकता है नहीं हो सकता है ये हमें नहीं पता है। अगर नहीं हो सकता होगा तो हमारा आगे का प्लान रहेगा कि हम पहले जाएंगे हाई कोर्ट से, पहले हम जाएंगे बीसीडी ऑफिस, वहाँ पे हम सबमिट करेंगे फॉर्म, क्योंकि मेन प्रायोरिटी आज हमारी बीसीडी का फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पे वेट करते हुए मुझे हो चुके हैं 10 मिनट और मुझे लगता है अभी उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था बार काउंसिल का तो ऑनेस्टली बोलूँ मुझे ना बिल्कुल भी मतलब मुझे क्या ललित को भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, हमने कभी कुछ ऐसे दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या ऐसा कोई टाइम आएगा जब मैं दोबारा से बीसीडी रिविजिट करूँगी एंड नॉट फॉर मी दिस टाइम और ललित के लिए, तो ऐसा हमने सोचा नहीं था दूर दूर तक। और फॉर्चुनेटली ऐसा टाइम आया है एंड वी बोथ आर लाइक प्लानिंग टू डू समथिंग टुगेदर इन फ्यूचर,
देखते हैं कितना क्या होता है, क्योंकि हम प्लान तो बहुत चीज़ें करते हैं लेकिन लाइफ काफ़ी कुछ प्लान्स चेंज करती रहती है. सो वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो. तो अभी फॉर्चुनेटली ऐसा टाइम मिल गया है हमें कि सेकेंड टाइम आई एम कमिंग टू BCD एंड दैट इज़ फॉर ललित एंड नॉट फॉर मी. अच्छा लग रहा है सोच के, और इसी वजह से मैं आज इतना जोखिम भरा काम करके आई हूँ. मतलब ललित के साथ ड्राइव करना, मतलब देखो कभी कभी वो बहुत अच्छे से, मतलब सपोर्टिव तो है ही वो, नो डाउट, लेकिन जब आप ड्राइव कर रहे होते हो और कोई बीच में ऐसे कर लो वैसे कर लो तो थोड़ा सा आप अनॉयड होते हो, और मेरे जैसा बंदा तो बहुत ज़्यादा अनॉयड होता है. अच्छी बात है वो अच्छी चीज़ के लिए कह रहा होता है, लेकिन उस टाइम पर ना मुझे चाहिए होता है मैं कॉन्सेंट्रेट करके चलाऊँ, या फिर मेरा जो पूरा 100% माइंड हो ना वो उधर ही लगा रहे. अब मैं साथ में चलो बात कर लो कुछ कर लो, लेकिन टोका टाकी से ना मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा ना आपको गुस्सा आने ही लगता है. तो या तो मैं यही सोच रही थी कि ललित के साथ आऊँगी तो बहुत अच्छा होगा. वी बोथ विल गेट दिस चांस टू डू सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स टुगेदर. और इस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था कि चलो जैसे अपने बच्चे के साथ आते हैं तो मैं ऐसे ही अपने बच्चे को लेकर आई हूँ अपने स्कूल में एडमिशन कराने. तो वापस उन्हीं गलियों में जाना, वापस उसी चीज़ में वापस इन्वॉल्व होना बहुत अच्छा लग रहा है. तो हमारे टाइम पे क्या था, आई रिमेम्बर कि मैंने हाई कोर्ट से फॉर्म लिया था, और उस टाइम पे मैं हाई कोर्ट आई तो ललित के साथ ही थी फॉर्म लेने. उसके अलावा मैंने जो अपना एफिडेविट वगैरह बनवाया था वो 30,000 कोर्ट में बनवाया था. मेरी फ्रेंड थी, फ्रेंड के वहाँ पे कज़िन ब्रदर काम करते थे तो उन्होंने बहुत हेल्प करी थी, थैंक यू उस टाइम पे. और मेरी फ्रेंड को भी थैंक यू जिसने मेरी हेल्प करी थी उस टाइम पे. अदरवाइज़ आई एम समवन जो मैं अपनी फैमिली में फ़र्स्ट टाइम लॉ कर रही थी, मतलब मैं फ़र्स्ट बंदी हूँ जो लीगल प्रोफेशन में गई अपनी फैमिली में. सो नोबडी वॉज देयर टू हेल्प मी, और मुझे किसी से गाइडेंस भी नहीं मिल सकती थी, कोई मेरी जान पहचान भी नहीं थी एज सच. पापा एक दो लोगों को जानते थे लेकिन मैं उनको ना इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे, एंड फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स की एफिडेविट और नोटरी जैसा कुछ काम होना, तो मैं नहीं चाहती थी मैं किसी की हेल्प लूँ या फिर किसी से कुछ फेवर्स लूँ उस टाइम पे, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ के लिए. तो आई थॉट कि चलो मैं जितना कर सकती हूँ लेट्स सी. और फिर बाकी लोग भी तो थे, कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे जो करा रहे थे तो मैं उन्हीं से सोच रही थी कि हेल्प ले लूँगी, लेकिन देयर वॉज माई फ्रेंड तो उसने मेरी सारी हेल्प कर दी थी उस टाइम पे. तो वहाँ पे 30,000 से हमने नोटरी से काम करवाया था. फिर आई रिमेम्बर कि हम लोग फॉर्म देने के लिए गए थे BCD, और BCD जब गए थे तो वहीं पे बैंक होता था. आई थिंक उस टाइम पे 10,000 वॉज द फीस, और अभी ललित मुझे बता रहे 15,000 है. तो ठीक है इतने टाइम में बढ़ेगी भी फीस. तो फीस हमने दोनों ने साथ में जाके, मेरी फ्रेंड और मैंने जाके एक साथ डिपॉजिट करी थी वहीं पे. और फिर उसके बाद अच्छी जगह पे लंच करा था, उसी ने मुझे रिकमेंड करा था कि इस जगह को ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे हमने एक साथ लंच करा था. एंड दोज वर गुड मेमोरीज, गुड ओल्ड डेज, गुड कॉलेज डेज. और पूरा प्रोसेस था बहुत लंबा, मतलब VC ऑफिस जो मैंने कभी नहीं देखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ गए, वहाँ से अपना कैरेक्टर कम अटेंडेंस सर्टिफिकेट निकलवाया था. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि क्या क्या करा था लेकिन मोटा मोटा सब याद है. मैंने अपने फ्रेंड्स को भी काफ़ी लोगों को बताया था क्योंकि जब मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे रीच आउट करा था पूछने के लिए कि तुमने कहाँ पर कराया है और कैसे है, क्या है स्टेप नंबर 1, प्लीज़ बता दो. तो मैं सबको ना उस टाइम पे बता देती थी कि यार मैंने ना यहाँ पे जाके ये करा लिया है. या गाइस तो फ़ोन आ गया था, तो वेयर आई वॉज कि या तो हमने फॉर्म वगैरह वहाँ पे सबमिट करा था, देन वी हैड अ गुड लंच. उसके बाद हम लोग का आई थिंक एक मीटिंग थी या कुछ था, तो मतलब इंटरव्यू टाइप था जब हमें एनरोलमेंट के लिए बुलाया था. तो उस दिन मैं बहुत लेट हो गई थी वहाँ से आने में, फ्री होने में, मतलब पता ही था कि 7:30-8 तो ऐसे ही बच जाएगा. तो उस टाइम पे मैं गाज़ियाबाद से आती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये सारा काम कराने जो भी कॉलेज से रिलेटेड था या एनरोलमेंट से रिलेटेड था. इट वाज गुड टाइम यार, मतलब हेक्टिक तो होता था बहुत ज़्यादा, आना जाना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन उसका एक अपना मज़ा था उस स्ट्रगल का, क्योंकि वो मैंने बहुत थॉरली इंजॉय करा है वो टाइम. फिर हमारा एनरोलमेंट हो गया, फिर एक दिन हम गए थे अपना COP लेने. जिनको नहीं पता है COP मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, हम उसको लेने के लिए गए थे. और उसके बाद हम लोग वो जो सिरीफोर्ट जाना होता है, बाय द वे BCD से आपको मिलता है, सिरीफोर्ट में है BCD का ऑफिस, वहाँ पे आपको मिलता है अपना सर्टिफिकेट. और फिर हम वहाँ से गए थे हौसखास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो फोर्ट है
यार मुझे फोर्ट भी याद नहीं है, तो फोर्ट गए थे, फिर वहां पे हमने जाके अपना फोर्ट पे, कोई भी आता है ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा देखा हुआ है, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया शायद। तो फिर फोर्ट पे जाके हम लोगों ने एंजॉय करा था, मेरे फ्रेंड्स थे, पिक्स वगैरह ली थी, क्योंकि पता था कि कॉलेज ऑलमोस्ट अब खत्म ही है, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही था। तो फिर उसके बाद मुलाकात होना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम सब अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ बोल दिया है और अब मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए और आगे वेट करना चाहिए। अभी ललित आते हैं तो देखते हैं क्या अपडेट्स हैं, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइस देखो यहाँ पे कौन आ गया, मिस्टर लड़ाकू इज हियर। तो अब हो गया तुम्हारा काम, एफिडेविट का हो गया, एफिडेविट ललित का बन चुका है और हम लोग ये श्योर नहीं थे, मुझे लगता नहीं है कि हाईकोर्ट में बनता होगा और इसीलिए हम पटियाला आ गए। अगर बनता भी होगा तो थोड़ा रश ज़्यादा होता होगा हाईकोर्ट में, ऐसा हम लोग का मानना था। तो हमने सोचा चलो पहले पटियाला में ही चलते हैं और काम करा लेते हैं। तो पटियाला कोर्ट के पीछे ही जस्ट दिल्ली हाईकोर्ट है, तो हम लोग अब दिल्ली हाईकोर्ट जा रहे हैं और वहाँ पे ये महाशय आके की जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो फुलफिल करेगा। उसके बाद देखते हैं, अगर यहाँ पे ही फॉर्म सबमिट हो जाता है फीस के साथ तो वो करते हैं। आई थिंक हमने एटीएम से भी पैसे भी नहीं निकाले हैं, हमें 15,000 रुपीज़ चाहिए इस टाइम पे कैश, तो हम देखते हैं, नहीं तो फिर हमें जाना पड़ेगा सिरी फोर्ट जो BCD का ऑफिस है वहाँ पे, और वहाँ पे ही जाके जो फीस है वो सबमिट करनी पड़ेगी, डिपॉजिट करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। वैसे अगर हम सिरी फोर्ट गए भी ना तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि अपनी मेमोरीज होती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कॉलेज जा रही हूँ वापस, तो अच्छी फीलिंग आएगी। चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बाहर मुझे क्या दिख रहा है, कितना रश है, कितना कंजेशन है। सो गाइस ये है पटियाला से हम हाईकोर्ट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे आप लोगों को एडवोकेट दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको बाइक दिख जाएंगी, ये फैमिली कोर्ट है न्यू दिल्ली की। हम लोग क्या मैरिज का रजिस्ट्रेशन यहीं कराने आते हैं? नहीं। अच्छा वो कहाँ पे गए थे? वो UPSC के साथ था। वो UPSC के साथ थी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज सर्टिफिकेट जहाँ पे आपको मिलते हैं उसके लिए आपको UPSC की जो बिल्डिंग है उसके साथ में जो फैमिली कोर्ट है वहाँ पे जाना होता है। मुझे लगा कि शायद हम यहाँ आए थे, मुझे ना एक्चुअली दिल्ली का ना इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि मैं दिल्ली में कॉलेज आती थी तो गाइस मैं मेट्रो से आती थी, आप मेट्रो के बारे में मेरे से कुछ भी पूछ लो मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन रोड्स में मैं थोड़ी सी वीक हूँ। इनफैक्ट मैं गाज़ियाबाद में भी रास्ता सोचना पड़ता है मुझे, जहाँ पे मैं रेगुलर नहीं जाती वहाँ पे, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ से जाना है हमें, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा ऐसे ही मामला है अपना कमज़ोर रास्ते को लेके। यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग ज़्यादातर लोग मिलेंगे आपको ब्लैक यूनिफॉर्म में, और मैं भी आपको यहाँ पे कभी भटकते हुए मिल जाऊँगी और ललित भी अब मिल जाएगा। तो गाइस दिल्ली हाई कोर्ट में आई हूँ अपनी लाइफ में कुछ बार ही आई हूँ, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ही आई हूँ। तो एक तो मैं अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आई थी, एक दो बार और आई थी, और एक बार मैं आई थी वोटिंग करने के लिए, वोट देने के लिए। तो फिर अलग ही एंथ होता है उस टाइम पे, इलेक्शन टाइम पे जब यहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं। और अच्छा यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए यहाँ पे रिसीट मिलती है, ये कार्ड है ओके, तो आपको पार्किंग के टाइम पे ऐसा कोई कार्ड मिलता है, ये तो दिल्ली मेट्रो जैसा कार्ड लग रहा है। तो यस, और सिंस आई एम एन एडवोकेट तो यहाँ पे फ्री पार्किंग है, और बस आपके पास बार काउंसिल का कार्ड होना चाहिए जो आप लोग दिखाओगे तो देन इट विल बी फ्री फॉर यू, अदरवाइज देयर विल बी चार्जेस। यहाँ लग जाएगी ना? हाँ, ऑटोमेटिक वाली तो नहीं है ना ये? तो पार्किंग काफी अच्छी है, मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी उतर के। उतर जा। एक सेकंड। यहीं उतर जाती हूँ। यार इस टाइम पे मेरा फेस ना पूरी तरीके से कवर्ड है, यू नो, मतलब यहाँ पे मैंने स्पेक्स पहन रखे हैं, लेंस नहीं पहने आज, ऊपर से मास्क पहनो ढंग से क्योंकि अब तो पहन लेना चाहिए। आप लोग को वेट पार्किंग दिखाती हूँ। तो इस तरीके की आपकी पार्किंग है,
बहुत अच्छे सिस्टम से पार्किंग बना रखी है ये, ऑब्वियसली बनेगी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट है, ये अपनी कार है जो पार्क हो रही है। इस तरीके का आपको यहाँ पे कार्ड मिलता है जो दिल्ली हाई कोर्ट का है, मल्टी लेवल ऑटोमेटेड कार पार्किंग का, और ये बिल्कुल मेट्रो जैसा है। एंड लेट मी शो यू इंस्ट्रक्शंस एंड टर्म्स। पार्किंग की टाइमिंग्स हैं 9 AM to 9 PM और पार्किंग चार्जेस है 10 rupees पर आवर, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹50 पर डे। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये काउंटर है, यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है। बट एज आई टोल्ड यू दैट आई एम एन एडवोकेट, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। ललित इज़ मेकिंग फेसेस, सो या मुझे पार्किंग फीस नहीं देनी है। एंड वी आर गोइंग, देयर इज़ दिस स्पेशल पार्किंग स्पेस फॉर डिसेबल्ड ऑल्सो। एंड यस गाइस, आई एम सो एक्साइटेड फाइनली। और ये मेरी CLC की स्वेट शर्ट पहन के फ्लॉन्ट कर रहा है, ही इज फ्लॉन्टिंग माई स्वेट शर्ट जो इसी के लिए है, मेरी रखी हुई है। आई हैव टू प्रिजर्व माई मेमोरीज विद दैट। चलो अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ ब्लॉग बना सकते हैं। तो गाइज़ हमारे यहाँ पे अभी कोविड के लिए जो टेम्परेचर चेक करते हैं वो हुआ है, और हम लोग अभी सिक्योरिटी से निकले हैं यहाँ पे, और वी आर हेडिंग। कोविड की वजह से अभी मैंने हाथ बाई चांस यहाँ रेलिंग पे रखे हैं, एंड आई एम फीलिंग सो कॉन्शियस कि पता नहीं सैनिटाइजर कार भी रह गया है, बट ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टच एनीथिंग एल्स ऑन अ फेस और समथिंग। So guys, this is where you will come, Delhi High Court. So guys, finally we are at High Court, and this is Lalit, who is like, कि अपना काम करा लूँ जल्दी से। तो चलो चलते हैं, जल्दी से काम करा लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ जो यहाँ पे बार काउंसिल का ऑफिस है, वहाँ पे ये पूछने की यहाँ पे फील्ड फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और फीस का पूछने अगर होता है तो क्रेडिट कार्ड क्या एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप लोग को इतने बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे, उनके चैम्बर्स हैं, एंड इट्स सो गुड टू सी। ओके, लेट मी गो एंड सर्च, एंड यू कैन सी गाइस इतने दुआ लॉ चैम्बर्स। यार मुझे यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है कि किसी से पूछ लूँ कहाँ पे है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का। लेट मी सी, लेट मी आस्क, देयर इज दिस CV Francis, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट विनय बसन। सो गाइज, अभी मैंने फाइनली पूछा है किसी से कि BCD का ऑफिस कहाँ पे है। ही टोल्ड मी कि यहाँ से आगे से लेफ्ट, नहीं या पहले लेफ्ट एंड देन राइट, लेट्स सी। सो जो लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, BCD का ऑफिस ढूंढ रहे हैं मेरे जैसे, उनको भी काफ़ी भूल भुलैया वाली फीलिंग लगेगी। दीज आर ऑल दी लॉकर्स आई थिंक। ये है यहाँ का अंदर का कैंपस, दिस इज दिस एंड दिस इज लिटिल कैट। आजकल मैं एनिमल प्लानेट कुछ ज़्यादा देख रही हूँ, सो कैट फैमिली का। लेट मी आस्क समवन यार, ओके। सो गाइज, हियर इज दिस बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ऑफिस। टाइमिंग्स आर 10 AM to 1 PM एंड 2 PM to 5 PM एंड दिस इज द फोन नंबर। सो या लेट मी गो एंड आस्क फ्यू थिंग्स एंड देन आई विल
come back and tell you. And let me tell you, there is this Apsara food services counter or canteen something, so it is just there. सर एक चीज़ पूछी थी, जो फॉर्म है फिल्ड फॉर्म वो यहाँ पे सबमिट हो जाता है या बीसीडी जाना पड़ेगा? बीसीडी नहीं होगा, ठीक है सर। आपको इसका आइडिया वहाँ पे सिर्फ कैश होगा या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकती है? थैंक यू। देना तो ठीक है, थैंक यू। चैम्बर ब्लॉक 3 सबसे पहले वहीं जाइए। सो गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे आके ये तो पता चल गया है कि नाउ वी हैव टू गो टू द बीसीडी ऑफिस। अभी हमें वेट। सो गाइज यहाँ पे आके मुझे ये पता चल गया कि अब हमें बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्म सबमिट होता है वो यहाँ पे नहीं होता है हाई कोर्ट में। आपको सिर्फ यहाँ से फॉर्म मिल जाता है और जो फॉर्म का सबमिशन है वो आपको बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में ही करना पड़ेगा ऑफिस में जाके, जो सिटी फोर्ट पे है। एंड दे एक्सेप्ट फीस कैश में भी डिपॉजिट हो सकती है, क्रेडिट कार्ड में भी हो सकती है। एंड आई वॉज आस्किंग सर कि सर क्रेडिट कार्ड से हो जाएगी? सो या मैंने इसका मतलब दोनों तरह से हो सकती है, कैश एंड क्रेडिट कार्ड। तो ही वॉज लाइक कि हाँ दोनों मत कर देना। चलो अब मैं जाके ललित को बताती हूँ अपडेट्स। ओके सो गाइज मैं यहाँ पे बाहर एग्जिट ले चुकी हूँ और जो भी मुझे इंक्वायरी करनी थी, जो ललित ने मुझे पूछा था पूछने के लिए, वो मैंने अपनी तरफ से कर लिया है। और यहाँ पे मुझे दिखी है सेठ एंड कंपनी की एक बुक शॉप, जो लीगल बुक्स और जिनको जो भी चाहिए मतलब लॉ से रिलेटेड बुक्स वगैरह वो सब हैं यहाँ पे। लेक्सिस नेक्सिस की भी हैं, काफ़ी कुछ है। और यहाँ पे आपका एक यूको का एटीएम भी है। लेट मी शो यू। सो गाइज दिस इज़ ऑल इंडिया रिपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड। ये एक सेठ हैंड कंपनी शॉप है 5-6 और ये आपकी हाई कोर्ट के प्रमिसेस के अंदर ही है। ये सेठ हैंड कंपनी की काफ़ी बड़ी बुक शॉप है। यहाँ पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा, मतलब जो भी लॉ से रिलेटेड, हिंदू लॉ, टॉट्स, फ्लैट की प्रिपरेशन के लिए जो बुक है, मुझे यहाँ पे काफ़ी बुक्स दिख रही हैं। और ये है अपना, यहाँ पे मेरे ख्याल से फ़ोटो स्टेट की शॉप भी है। या अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट फ़ोटो स्टेट नहीं है, फ़ोटो कॉपी नहीं है, आप यहाँ पे करा सकते हो। तो बाइंडिंग की है और एकता बुक कंपनी भी है यहाँ पे एक शॉप। और इसके साथ आपका ये यूको बैंक का एटीएम भी है, तो अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, विच इज़ ओपन फॉर 24 आवर्स। जुडिशल सर्विस एग्जाम्स की क्लैट और आई थिंक सारे ऑथर्स की, जस्टिस रंजन गोगोई की बुक है यहाँ पे। यहाँ पे हिंदू लॉ के मुल्ला भी है अवेलेबल, जो कई बार नहीं मिलती है। और अंदर बेयर एक्स भी हैं। सो गाइस मैं अंदर जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहती किसी को, वहाँ पे ऑलरेडी वो ढूंढ रहे हैं कुछ। सो यहाँ पे भी आपको बुक्स काफ़ी मिल जाएंगी, बेयर एक्स वगैरह जो आपको नहीं मिलते, यूनिवर्सल के सबसे ज़्यादा कॉमन बेयर एक्स हैं वो सब यहाँ मिल जाएंगे। और कुछ लॉ से रिलेटेड आपकी नॉवेल्स हैं, अगर आप कुछ बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो अदर देन सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों को ये बेयर एक्स की और भी बुक शॉप मिल जाएगी, कभी आपको वहाँ पे ना मिले तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। शॉप्स जो हैं बिल्कुल साथ ही साथ हैं। ये है सेठ हैंड कंपनी की और ये है कोई एकता बुक कंपनी, तो यहाँ पे। और ये है आपकी स्कैनिंग और फोटोकॉपी की शॉप, तो आप यहाँ पे करा सकते हो। तुम आए हो, तुमने कब बोला मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं? तो मैं ब्लॉग में स्माइल तो हेलो दिखोगे तो खैर होने स्माइल करते हो। तो अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि अब हमें जाना है बाहर काउंसिल ऑफ दिल्ली बीसीडी, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। इनफैक्ट जाना चाहती थी पहले से। वेट
सो दिस इज ऑफिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन. सो ललित इज गोइंग फॉर गेटिंग सिग्नेचर्स. सो गाइज जो एडवोकेट्स मतलब 10 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बेसिकली BCD के फॉर्म पे साइन कर सकते हैं. एंड मेरे जो जान पहचान के मेरे साथ के जो क्लासमेट्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अभी 10 ईयर्स नहीं हुए हैं तो मैं उनकी हेल्प नहीं ले सकती. और ललित जो है वो अभी वही देखने के लिए गया है कि कोई कंसिडर कर लेता है, कोई साइन कर देता है, वैसे कर देते हैं लोग. तो लेट्स सी. सो ही इज़ देयर और ये रिक्वेस्ट करने गया है. ये सीनियर एडवोकेट लग रहे हैं. एक्चुअली मैं यहाँ पे दो सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो एडवोकेट्स के साइन चाहिए होते हैं BCD के फॉर्म पे. तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरी तो हेल्प मेरी फ्रेंड ने कर दी थी. एक्चुअली मैं उसके कज़िन थे वहाँ पे तो उन्होंने हेल्प कर दी थी तो हो गया था मेरा काम. लेकिन यहाँ पे है ललित और ललित के लिए भी मेरे को कोई ऐसे सच हेल्प नहीं दिख रही है यहाँ पे. एंड वी डोंट वॉन्ट टू टेक फेवर्स फ्रॉम समवन नोन जो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं हूँ. मैंने एक दो को फ़ोन करा है. लेट्स सी. और या मुझे यहाँ पे एक फ्रेंड तो मेरा मिल गया और आई एम सो हैप्पी टू सी माय क्लासमेट्स बैचमेट्स. तो अच्छा लगा मिलके. तो या नाउ वी आर फ्री फ्रॉम हियर और अब हम जा रहे हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं अपने सेम स्कूल में एडमिशन कराने जा रही हूँ अपने बच्चे को. ऐसी फीलिंग आ रही है. ओके लेट मी गेट इन टू द कार एंड गो. तो गाइस यहाँ से जाने के बाद ये कार्ड आपको जो है यहाँ पे इंसर्ट कर देना होता है. एग्जिट पॉइंट पे ये कार्ड होता है, मतलब मशीन होती है जहाँ पे आपको ये कार्ड इंसर्ट करना है. और अब हम जा रहे हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली. ये नहीं, नेट नहीं चल रहा.